हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल इजी सरकार एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश एमपी विधानसभा सचिवालय के बारे में। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो पोस्ट निकली हुई है आप लोग देख सकते हैं क्या डेट है इसकी। तो इसका जो डेट है, एप्लीकेशन बिगिन हुआ है 11/10/2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल के लिए जो फीस है फ्रेंड्स वो 450 रुपीज़ जनरल के लिए फ़ीस है। ठीक है, ओबीसी के लिए 300 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं और भी चीज़ें। जो एज है वो 18 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। असिस्टेंट ग्रेड एजी के लिए 10+2 इंटरमीडिएट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। स्टेनोटाइपिस्ट की बात किया, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10+13 वैकेंसी है, 10+2 की बात किया है टोटल। ठीक है, अब फ्रेंड देख लेते हैं कि जो इसमें पोस्ट नेम की बात किया है। ठीक है, तो पोस्ट नेम देख सकते हैं और कितनी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और टोटल की बात किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे सबके आगे लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट के आगे कितनी वैकेंसी और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी मेंशन की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे हम इसका नोटिफिकेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स पद का नाम देख सकते हो आप, कुल रिक्त। इसके बाद वेतन की बात किया है। ठीक है, तो ग्रेड थ्री के लिए जो वेतन दिया गया है वो 19,500 से 62,000 तक इसका। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लेवल 4 के लिए और सुरक्षा गार्ड लेवल 4 के लिए भी अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ नई बातें देखते हैं कुछ इसमें मेंशन की गई है। ये देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11 अक्टूबर 2022। ठीक है, आवेदन भरने का अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022। ठीक है, और सबमिट करने की 10 नवंबर 2022। पद का नाम ये सब तो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय है, तो और कुछ देख सकते हैं कुछ इसमें मेंशन किया गया हो तो। बैंक में लिखा है कि बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि कर्मचारी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। पद का नाम सहायक ग्रेड के लिए, रिक्त पद संख्या 40, श्रेणी तृतीय श्रेणी। ठीक है, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स की बात किया है वो 4, परिवर्तनीय अवधि चयनित अभ्यर्थी 3 वर्ष की परिवर्तनीय पर की जाएगी। ठीक है, मान्यता प्राप्त मंडल 10+2 के लिए बात किया हुआ ऑलरेडी। स्टेनोटाइपिस्ट की बात किया है तो भी आप देख सकते हो। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, ठीक है, मान्यता प्राप्त मंडल में 10+2, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण की बात की गई। ठीक है, और पद का नाम देखिए, सुरक्षा गार्ड, रिक्त पद संख्या 13 है, श्रेणी तृतीय श्रेणी, वेतनमान मैट्रिक्स की बात किया तो 19,562 तक किया। ठीक है, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ की बात किया, मान्यता प्राप्त मंडल में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। निर्धारित आयु सीमा जो है, अभ्यर्थी की आयु सीमा की दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक 9। तो 40 वर्ष आप मैक्सिमम तक बढ़ सकते हैं, इसका मिनिमम आपका 18 वर्ष इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण केवल गैर क्रिमिनल के आधार पर ही देय है। गैर क्रिमिनल का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ क्रीमिलेयर के अंतर्गत आने का प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न होगा जो आवेदन की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी हुआ हो।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई तो भी आप पढ़ सकते हैं। आपराधिक योजना की बात किया है, ऐसे आपराधिक योजना जिसमें दूसरे सचिवालय के निम्नलिखित दोषी पाया हो, जिसने अपनी अभ्यर्थता के लिए परीक्षा में किसी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो, इसका प्रयास किया हो, तो उसको आपराधिक घोषित किया जाएगा। बोले तो इम्पोर्सोनेशन किया गया हो, किसी व्यक्ति से प्रारूप प्ररूप धारण कराया हो, फर्जी दस्तावेज की अगर किया हो, तो चयन की किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, तो बहुत सारे इसके मेंशन किए गए हैं। तो जो भी लिखा है ना, उपरोक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाले भारतीयों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन पर की जा सकती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चयन की प्रक्रिया आप देख सकते हो क्या की गई है, चयन की प्रक्रिया, ठीक है। तो भी इसमें आपको मेंशन किया गया, वो भी आप चयन की प्रक्रिया देख सकते हो, ठीक है। विज्ञप्ति में उल्लेख शर्तों को महत्वपूर्ण देश जानकारी अधिकार निर्वाचन, ठीक है। कौशल परीक्षा 50 अंक, संस्था का परीक्षा 15 अंक। चयन हेतु ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये भी देख सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें जहाँ तक उम्मीद है कि मेंशन की गई है। बाकी आपको देख सकते हो कि जो सिलेबस है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको चाहिए, जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। बाकी तो दो ही चीज़ चाहिए, बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलेंगे आपको एक अच्छे और एक नए वीडियो से, तब तक हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हम इस पर डेली नए से नए वीडियो अपडेट करते हैं, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।